हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम करिश्मा पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर 32, द यूनिवर्स। यूनिवर्स डेट मीन्स ब्रह्मांड। सो आज हम यूनिवर्स के बारे में लर्न करेंगे। ओके, सो नाउ अवर मिस्टीरियस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ काउंटलेस ऑब्जेक्ट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, अवर मिस्टीरियस मीन्स सीक्रेट, यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड। हमारा जो ब्रह्मांड है वो काउंटलेस ऑब्जेक्ट से मेड किया गया है। ओके, सो नाउ लेट अस सी हाउ मच वी नो अबाउट इट। ओके, नाउ फिल इन द क्रॉसवर्ड विथ द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवेन बिलो। सो हमें यहाँ पे कुछ क्लूज दिए गए हैं, उनके द्वारा हमें यह क्रॉसवर्ड फिलअप करने हैं। ओके, नाउ फर्स्ट पीसीस ऑफ स्टोन सीज डेट एंटर द अर्थ एटमोसफियर। हमारे अर्थ के एटमोसफियर में एंटर होने वाले स्टोन सीज के पीसीस, छोटे छोटे पीसीस, सो उनको क्या बोलते हैं? मीटियर्स। आंसर इज मीटियर्स। सो उसे क्या बोलते हैं? उल्का, जिसे हम टूटता हुआ तारा भी बोलते हैं। ओके, सो उसे हमें यहाँ पे डाउन में आंसर लिखना है। ओके, सो वन नंबर में हमें इस तरह से आंसर लिखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट नेम ऑफ अवर गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी का नेम क्या है? मिल्की वे। सो हमें यहाँ पे सेकंड नंबर में लिखना है मिल्की वे। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे वर्ड क्रॉस होता है। ओके, मिल्की वे, एंड थर्ड नंबर का जो वर्ड्स है वह भी क्रॉस होता है। ओके, नेक्स्ट हेवेनली बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। सो डियर स्टूडेंट्स, मार्स एंड जुपिटर मीन्स मंगल और बृहस्पति के बिटवीन, द सन अराउंड, सन अराउंड, जो हेवनली बॉडीज को रिवॉल्विंग करते हैं। ओके, सो जिसे क्या बोलते हैं? एस्ट्रोराइड्स। ओके, सो हमें यहाँ पे थर्ड नंबर में लिखना है जो हमारा वर्ड क्रॉस होता है। ओके, एस्ट्रोराइड्स। नेक्स्ट फोर्थ, एट हेवनली बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। एट जितने हेवनली बॉडीज सन के अराउंड रिवॉल्विंग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स। हमारे कितने प्लैनेट्स है जो सन के अराउंड रिवॉल्विंग करते हैं? एट जितने प्लैनेट्स। ओके, सो फोर्थ नंबर में हमें लिखना है प्लैनेट्स। ओके, यह भी वर्ड क्रॉस होता है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, अ ह्यूज ग्रुप ऑफ स्टार। स्टार का बहुत बड़ा ग्रुप, जिसे क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। सो हमें फाइव नंबर में यहाँ पे वर्ड लिखना है गैलेक्सी। नेक्स्ट सेल्फ ल्यूमिनस हेवनली बॉडीज इन स्पेस, जिसे क्या बोलते हैं? स्टार। सो हमें सिक्स नंबर में लिखना है स्टार, यह वर्ड्स भी क्रॉस होता है आर से। ओके, नेक्स्ट सिक्स सेवन, अर्थ पाथ अराउंड द सन। सो आंसर इज ऑर्बिट। ओके, जो सन के अराउंड अर्थ का पाथ है उसे क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। सो सेवन नंबर में हमें लिखना है ऑर्बिट, वर्ड क्रॉस होता है। नेक्स्ट एट नंबर, हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट गर्म प्लैनेट कौन सा है? वेनस, मीन्स शुक्र। सो एट नंबर में हमें लिखना है वेनस। ओके, नेक्स्ट नाइन नंबर, एब्रिविएशन ऑफ। सो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का शॉर्ट नेम सो क्या है? UFO। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? UFO। सो नाइन नंबर में हमें लिखना है UFO, वर्ड क्रॉस होता है। नेक्स्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स ऑफ मार्स। सो मार्स के सैटेलाइट नंबर कितने हैं? टू। सो टेन नंबर में आंसर आएगा टू। नेक्स्ट सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, अर्थ का सैटेलाइट कौन सा है? मून। सो इलेवन नंबर में आंसर है मून। नेक्स्ट मास ऑफ आइस एंड डस्ट विथ अ लॉन्ग टेल मूविंग अराउंड द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अराउंड जो लॉन्ग टेल मूविंग होता है, जो आइस एंड डस्ट के साथ है रहता है, सो इसे क्या बोलते हैं? कॉमेट। सो
हमें 12 नंबर में लिखना है कॉमन. ओके नाउ मीन्स कॉमन मीन्स धूमकेतु. ओके नाउ द यूनिवर्स इज मच बिगर देन अवर इमेजिनेशन. सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो यूनिवर्स है वो हमारे इमेजिनेशन से बहुत बड़ा है. ओके फाइंड आउट मोर अबाउट द यूनिवर्स एंड पुट इट अप एज द ग्रुप प्रेजेंटेशन. ओके नाउ द मार्स ऑर्बिट मिशन. मार्स ऑर्बिट मिशन का जो शॉर्ट फॉर्म है क्या है? MOM, बेटर नो एज मंगलयान, इज इंडिया फर्स्ट इंटरप्लानिटरी मिशन टू मार्स. हमारे इंडिया का फर्स्ट इंटरप्लानिटरी मिशन कौन सा है? मंगलयान है. ओके विथ दिस इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रीच द ऑर्बिट ऑफ मार्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. और उसके साथ ही पूरे वर्ल्ड में हमारा इंडिया का जो मंगल पर पहुंचने वाला कंट्री कौन सा है? हमारा इंडिया है. ओके सो डियर स्टूडेंट्स, हियर अवर चैप्टर 32 इज कंप्लीटेड. ओके एंड वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो. ओके बाय.